लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि आप देख पाएं नई वीडियो सबसे पहले। इस मिक्स को बनाने के लिए जितने नींबू लिए जाते हैं उससे डबल चीनी ली जाती है, तो यहाँ पे हमने एक पाव नींबू लिए हैं और इसका डबल आधा किलो चीनी ली है। अब इन सभी नींबू का रस निकाल लेंगे। रस निकालने के बाद में नींबू को छिलके को फेंके नहीं, इससे बहुत अच्छा अचार बन सकता है। शिकंजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच सूखे पुदीने की पत्तियां, 8 से 10 काली मिर्च, एक चम्मच सौंफ, 8 चम्मच काला नमक, 1-1 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के। अब हम चीनी को बड़ी प्लेट में डालेंगे और ध्यान रहे कि वो प्लेट मेटल की ना हो, क्योंकि मेटल की प्लेट में नींबू डालने से कसीला स्वाद आ जाता है। अब हम चीनी को पूरी प्लेट में फैला लेंगे और इस पे नींबू का रस डाल देंगे। अब इसे सूखने के लिए रख दें और इसको सूखने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बारिश का मौसम है तो इसे सूखने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। सूखी हुई चीनी को मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और हमने जो शिकंजी का मसाला लिया है वो भी इसी में डाल देंगे। अब इसे पूरे मिक्सचर को बारीक पीस लेंगे ताकि मसाले का दरदरापन शिकंजी में नहीं आए। अब हम एयर टाइट डिब्बा लेंगे और इसमें मिक्सचर को डाल देंगे ताकि पाउडर में सीलन ना आए। अब हमारा शिकंजी मिक्स बिल्कुल तैयार है। शिकंजी बनाने के लिए एक गिलास लें और उसमें 2 चम्मच शिकंजी मिक्स डालें, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें पानी डालें और शिकंजी बनके तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताएं।